लगातनी समाचार बटुए काराकाट रोहतास से काराकाट प्रखंड के मुंजी पंचायत के अंतर्गत मुंजी गांव से मुखिया पद के प्रत्याशी अनुभवी योग्य अजय प्रताप सिंह जिनकर चुनाव चिन्ह ढोलक छाप बा क्रम संख्या दू के बा यहाँ के अपन चुनाव प्रचार के दौरान लोग से पंचायत के अधूरा पड़ल काम के मजबूती से पूरा करे खातिर अपना पक्ष में मतदान करे के आह्वान कैले बानी। यहाँ के पंचायत में अधूरा पड़ल विकास कार्य के प्रति नाराजगी जाहिर कैनी आ कहनी कि पंचायत में नेता वैसन चाही जवन सब वर्ग के लोग के लेके अपना साथे चले आ सब वर्ग के लोग के विकास करके अब तब अपन विकास समझे। यहाँ के अपन बयान में निर्भीकता के साथ ही दावा कैनी कि मुंजी पंचायत के विकास अधूरा बटुए, अगर जनता यहाँ के मौका देतिया तो निश्चित रूप से अधूरा सपना के पूरा करब। ये विषय पर यहाँ के बतैनी कि जनता हमरा के एक बार मन बना चुकल बिया, मुखिया के रूप में चुने खातिर हम पूरा तरह से आश्वस्त बानी कि एक बार जनता के सेवा के मौका जरूर मिली। पूरा आत्मविश्वास आ जोश से भरपूर अपन अनुभव के फायदा उठावत यहाँ के लोग के बीच अपन आवाज़ अपन अपील के रख रहा बानी। प्रस्तुत बटुए इनका द्वारा दिहल गई इंटरव्यू के कुछ अंश। भोजपुरिया समाचार के रिपोर्टर अनिल गिरी जी खास बातचीत कैनी, रूरा बातचीत अंत तक देखब का यहाँ के दावा कैनी। भोजपुरिया समाचार यहाँ के दावा भी सुनाई, रूरा सबसे निहोरा बा कि खबर देखला के बाद शेयर कर दे, लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब नीचे के लिए तो सब्सक्राइब करी, सुनी बयान और दबा के शेयर करी ताकि चलिए मिश्र जी, सबसे पहले आपका भोजपुरिया समाचार चैनल में स्वागत है और आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। इस पंचायत से जब आप खड़े हैं तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप यहाँ से इसके पहले कई बार उम्मीदवारी आजमा चुके हैं और आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी इस चुनाव में? पहले आपको धन्यवाद देते हैं भोजपुरिया चैनल को कि आप यहाँ पर आ गए। गाँव देहात में सब रिपोर्ट ले रहे हैं, हम लोग विधायक नहीं हैं, मुख्य प्रत्याशी हैं, आप जा लीजिए कि कई बार उम्मीदवारी नहीं किए हैं। 2001 में मात्र 2-4-10 वोट से हारे थे, जान लीजिए, और 2006 में बहुमत से जीते थे, फूल भैया हम मिलके, जान लीजिए हम दोनों मिल के जीत रहे थे। 2011 में तो हम लोग जीते, 2016 में मात्र 40 वोट से हारे हैं और जान लीजिए कि मेरा 100-150 वोट ठेपा हो गया था। और क्या करना चाहते हैं इस पंचायत में जाकर काम देख लीजिए, मेरा 10 वर्ष पहले वाला एको पीसीसी नहीं कबरा है, लेकिन 3 साल पहले जो पीसीसी वो कबर गया है। आज इस पंचायत का एको पैसा आज करोड़ रुपया आ रहा है, हम लोग को 1-2 लाख रहता था, 3 लाख बीएचएफ में, लेकिन आज चलिए देख लीजिए इंदार खनाया कि नहीं खनाया पंचायत में, मास्क बांटा कि नहीं बांटा, सैनिटाइजर बांटा कि नहीं बांटा, कोरोना काल में कितना पैसा आया, अथी कोरोना साइंस सेंटर बना कि नहीं बनाया, बाहर से मजदूर काम करके आया एको नहीं बना, कुछ नहीं मिला। अब पता कर लीजिए यहाँ क्या हुआ है, आज जो हमारा काम पहले का देख लीजिएगा। अब चुनाव सुन लीजिए, आज वो पैसा बची मांग रहे हैं कि केवल पैसा उनका बाई में है, क्या पैसा लेगा। हम लोग को फ्री में वोट मिल रहा है, वो पैसा खरीद रहे हैं, सोचिए आप, पता लगा लीजिए आप। अच्छा, इस बार आपको लोग वोट देंगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि किस आधार पर आप ही को लोग क्यों जिताएंगे? जानते हैं तो अजय सिंह के परख लिए हैं, वो अजय सिंह को पलटे, सत्ता परिवर्तन कर रहा है, इसको बनाए देखे, अरे सही तो बहुत खराब निकल गया, भ्रष्ट निकल गया। वो तो आदमी काम किया था, काम करके सबको साथ रहता था, कुछ बोल देता था अलग है, उसका सत्ता परिवर्तन करना चाहिए कि अजय सिंह 10-20 रह रहे हैं, इनको बदल दिया जाए, लेकिन आज दूसरा आदमी आ गया तो देख लिए लोग कि तक बहुत खराब है। विक्रमगंज शहर से आपका गाँव कुछ दूरी पर है, हाँ, तो यहाँ महिलाओं और नौजवान जो बच्चे हैं उसके लिए कुछ क्या मन में आपके है, कुछ नया काम करेंगे? हाँ, हम लोग को इंटर कॉलेज बनाना है और क्या कहला यहाँ पर मतलब जो भी होगा क्या होता है पंचायत भवन, पंचायत सरकार जो पंचायत भवन यहाँ नहीं बना, हम जमीन दे दिए थे, हम सब उस समय तो मेरा अलॉट हो गया था, ये बना पंचायत सरकार भवन नहीं बना, आज हम रहते तो पंचायत सरकार भवन बिहार बनता, दुआरी बनता, चाहे मुंजी बनता, जहाँ जमीन रहता वहाँ बनवा देते, पता लगा लीजिएगा इस पंचायत में आज तक पंचायत सरकार भवन नहीं बना।